हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। और मैं हूँ आपका दोस्त अमर तिवारी, और ये आपकी रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है। अभी मैं 2-3 दिन बिजी रहा था इसलिए आपको PDF नहीं मिल पाई थी। सारी की सारी PDF प्यारे बच्चों आज आपको लास्ट रात में मिल जाएंगी। सारी PDF जो है, जितनी भी अब तक की क्लासेस हो चुकी है, वो सारी की सारी PDF आज रात में ऐप पर भी पहुँच जाएंगी। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाएंगी, ठीक है? तो आप सभी लोग जो है वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सभी बच्चों से बोलूँगा कि नॉलेज का एक ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, और वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो आप टाइमली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं भेज पाता हूँ पर्सनली, हाँ, लेकिन आपको ऐप पर जो है वो सारी PDF टाइम पर मिलती रहेंगी। तो क्या सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? क्या ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? हेलो, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ प्रेमचंद जी। हेलो अनोखी, आशीष, प्रेम, प्रिंस, संगीता, अमित, प्रियंका, पूर्वी, सभी को बहुत बहुत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर अक्टूबर 2020 का। मैंने आप सही से बोला था कि भाई मैं 2020 का पूरा करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दूंगा बहुत ही जल्द, और इसी सीरीज में हमने अक्टूबर तक हम पहुंच चुके हैं। नवंबर और दिसंबर और रह गया, तो पूरा साल 2020 जो है आपका खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है? इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ एक कोर्स जिसमें मैं कंप्लीट एक जिस्ट देने वाला हूँ आपको, एक बहुत शानदार जिस्ट देने वाला हूँ। मतलब जिसमें आपको क्या रहेगा, जो बहुत क्रीम पॉइंट हैं 2020 के, वो सारे के सारे क्रीम पॉइंट हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। वन लीनियर वे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आप सभी को जो अच्छा खासा मदद करेगा यहाँ पर, ठीक है गाइस? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आपने पहले 2 दिन में ही कोर्स ने क्या है सब्सक्राइब किया है, कि 1000+ से ज़्यादा बच्चों ने जो है कोर्स को परचेस किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूस लव सपोर्ट गाइज, है ना? थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं आप सभी को प्रोवाइड एक चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जिन भी 1000 बच्चों ने कोर्स प्रोवाइड किया, जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, तो अब आप सभी बच्चों को WhatsApp पर क्या मिल जाएगा, एक 120 क्वेश्चंस की PDF जो है वो मिलने वाली है, जिसमें 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 120 क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपका एक तरह से एक सैम्पल टेस्ट है, ठीक है? तो ये आप सभी बच्चों को मिलने वाला है कम्प्लीटली इस पैक के साथ। तो ध्यान रखना है और इसको अटेम्प्ट करना है सभी बच्चों को, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में। उससे पहले मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किया वो कर सकते हैं। UPSC 2020 प्रैक्टिस ईबुक जो है ना, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के, इसमें 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डाले हुए, ईजी से ईजी और टफ से टफ, और जिसकी प्राइस मैंने 199 रखी थी। प्राइस क्यों रखी थी आप सभी को पता है, ये सारे मोड्स हैं, और ये जो आपका नंबर है जिस पर आपको पेमेंट करना है, साथ में आप हमारी नॉलेज का ऐप पर भी इसे परचेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है इजीली। जो भी आपको माध्यम आसान लगे आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी खरीद सकते हैं, और आप एप्लीकेशन के थ्रू भी चाहें तो एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इस ऐप को खरीद सकते हैं, इस कोर्स को खरीद सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है इसके साथ आप सभी को। जी हाँ बिल्कुल, इसका PDF आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हिंदी PDF अनोखी जी, हिंदी PDF को मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा हम उसको और अच्छा कर रहे हैं ना। हिंदी PDF अभी जो है ट्रांसलेटेड है, उसे मैं थोड़ा सा और अच्छा आप कर आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दें सभी लोग, और सभी बच्चों से रिकमेंड करूंगा कि इस PDF को ज़रूर परचेस करें। एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, 1000 क्वेश्चन जो है आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही हम प्लान कर रहे हैं कि इसमें आपको GAAP के भी कम से कम 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 300 क्वेश्चन पॉलिटी के जो हैं वो इसके साथ उपलब्ध करा दें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ये हमारा लक्ष्य रहेगा आप सभी के लिए बेटा, ठीक है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड इवनिंग, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020, 2020 का नोबेल शांति का पुरस्कार किसने जीता? भाई से यदि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? ऑप्शन है जैकिंडा आर्डेन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डोनाल्ड ट्रंप। किसे ये मिला है, ठीक है? किसे ये मिला है जल्दी समझ बताइए सभी लोग लाइव चैट के थ्रू फास्ट।
चलिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल पीस प्राइज 2020 नोबल शांति का पुरस्कार किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज को मिला है उनके एफर्ट्स के लिए जो उन्होंने भूखमरी को खत्म करने के लिए किए थे। आगे बात करते हैं, विद रेफरेंस टू डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI सर्वे स्टेटमेंट, कौन सा जो कोड है वो सही है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? पहला, इट वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कंडक्ट किया था। दूसरा, इट एम्स टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सभी को याद रखना है ये, ठीक है, सभी को इस चीज़ के बारे में याद रखना है। चलिए, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवल और केवल दो स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कुछ स्टैट्स दे रहा हूँ, याद रखना है कि द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, हैज़ रैंक थर्ड आउट ऑफ द 65 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विद द स्कोर ऑफ 1.111 स्केल आउट ऑफ 5 द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पर 65 मिनिस्ट्रीज को एनलिस्ट किया गया था जिसमें से थर्ड मिला हुआ है, याद रखना है ना, और इट हैज़ बीन रैंक्ड सेकेंड अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। और यह है, देखिए कैटेगरी वाइज जो 16 इकोनॉमिकल मिनिस्ट्रीज होती है स्थान मिला है और तीसरा मिला है इसे ओवरऑल मिनिस्ट्रीज के उसमें, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या हुआ राखी वर्मा, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए बच्चा, उससे रिलेटेड तो आप मुझसे बोल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिनेश कुमार खरा हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक, दिनेश कुमार आपको किस बैंक के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है? क्या सही बात है विद्यापति जी, मुझसे भी शेयर कर। तो PNB इसका जो है सही, PNB है सही आंसर, या RBI है सही आंसर, या केनरा बैंक है सही आंसर, या फिर SBI इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, SBI। दिनेश कुमार खरा को ठीक है, तो SBI बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड आशीष, प्रियंका, सोनिया, तरुण, करुणा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। द नोबल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड इन 3 साइंटिस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वायरस। आप ध्यान से सुनना, हमने पीस का देख लिया है, शांति का देख लिया है, शांति का किसे मिला है भाई, शांति का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, बिल्कुल रट्टा मारना है। अब यहाँ पर आपको मेडिसिन या फिजियोलॉजी का पूछा गया, तो किसे मिला है, किन तीन साइंटिस्ट को मिला है, तो वो किस वायरस की खोज के लिए मिला है, H1N1 वायरस के लिए, हेपेटाइटिस सी के वायरस के लिए, COVID-19 के वायरस के लिए, या फिर इबोला वायरस के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेपेटाइटिस सी। नोबल पीस प्राइज फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 3 डॉक्टर्स को याद रखना है, पहले कौन है, हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। इन तीनों के नाम याद रखने हैं, सभी बच्चों से बोलूंगा कि पेन कॉपी में नोट कर ले। और इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है जो कि एक मेजर सोर्स है लिवर डिसीज का, तो इसके लिए ने पीस मेडिसिन का प्राइज मिला हुआ, मेडिसिन का नोबल मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन, भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नाम क्या रखा गया है, कस्तूरी, कोमल, कुमकुम, या फिर शक्ति। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी जी, द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर द इंडियाज प्रीमियम कॉटन, ऑन द ओकेजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे ऑन 7th अक्टूबर। तो याद रखना है वर्ल्ड कॉटन डे कब ऑब्जर्व किया, 7 अक्टूबर को, और ये दूसरा था, मतलब 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, इसीलिए भी इम्पोर्टेंस रखा है ना। द इंडियन कॉटन विल नाउ बी नोन
टू द वर्ल्ड बाय द नेम कस्तूरी कॉटन। तो याद रखना है, भारतीय जो कॉटन है अब से वो कस्तूरी नाम से। विद रेफरेंस टू जोम्बिया फायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेल विच वन इज करेक्ट। जोम्बिया फायर के केस में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है बताने इन दोनों में से। पहला, इट इज अ पार्ट ऑफ फायर विच पर्स फ्रॉम अ ईयर टू ईयर इन साइड द आर्कटिक सर्कल। यह एक पीठ आगे जो आर्कटिक सर्कल के अंदर साल दर साल बनी रहती है। दूसरा, इट अकर्स ओनली इन द रीजन विद टुंड्रा वेजिटेशन, और यह केवल टुंड्रा वनस्पति वाले क्षेत्रों में होती है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, बहुत शानदार परफॉर्मेंस के द्वारा। इसका सही आंसर है वन। तो याद रखना है जो फायर रेजिम्स है इन दी आर्कटिक आर चेंजिंग रैपिडली विद जोम्बी फायर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन एडिशन टू फायर अकरिंग इन दी वंस फ्रोजन टुंड्रा। द टुंड्रा इज ड्राइंग वेजिटेशन लाइक दीज मॉस ग्रास ड्रॉप सर्फ सीआर स्टार्टिंग टू कैच फायर। तो मतलब जब ये चीज़ें सूख रही हैं और सूखने के बाद ये ज़्यादातर आग जो है पकड़ रही हैं, और ये एक साइक्लिक तरह की बन गई, मतलब ये बार बार अकर हो रही है। इसको आपको इक्वल वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट कॉन्जेक्टिव ओडीआई विक्ट्रीज की महिला क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक लगातार एक दिवसीय जीत के लिए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने, साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने, इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम बचा रखना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास अ ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, किस राज्य सरकार ने एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति जो है वह पारित करी है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी किस राज्य ने जारी किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका ने, ऑप्शन बी दिल्ली ने, ऑप्शन सी केरला ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। यदि मैं बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। याद रखना जितने भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है, उनको रट के पी के जाना बच्चों, आने की संभावना बहुत ज़्यादा उनकी। ठीक है, सो द वेरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है बनाई, जिसके अंतर्गत 80% ऑफ द ट्री अप्रूवेड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड एल्सवेयर। मतलब यदि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो उसके लिए आपने जितनी भी ट्रीज को काटना पड़ा है उसका लगभग 80% तक आपको जो है नई जगह पर उगाने होंगे। ठीक है, ये ऐसी एक पॉलिसी बनाई गई है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020। अब अगेन देखिए, मैंने आपको क्या बता दिया भाई, हम पीस का नोबल प्राइज़ देख चुके हैं, ठीक है, हम मेडिकल का नोबल प्राइज़ देख चुके हैं, अब बारी आ गई है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए किसे मिला है? हार्वे जे अल्टर, माइकल हुक्टन एंड चार्ल्स एम राइस। तो ये तो भाई किसको मिला है, ये भी हमने देखा था, ये तो मिला है किसको, आपके मेडिकल फील्ड को। अब दूसरा है ना, इमानुएले चारपेंटायर एंड जेनिफर ए डोवेंडा, ऑप्शन सी जॉन बी गुडनफ, एम स्टैनली विक्टगम एंड अकीरा योशियोनो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सर पैरों से एंड्रिया गेज एंड रेंडर्ड गेज। किसे मिला है भाई, ये जल्दी से आंसर दीजिए, कितने किन बच्चों ने पढ़ा हुआ है? क्या बात है, आंसर आने लगे, वेरी गुड। मिक्स वेज टाइप का आंसर आ रहा है, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है किसके लिए मिला है, जीनोम एडिटिंग के लिए, एक क्रांतिकारी बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना है इमैनुअल चर्पियर और जेनिफर ए डोडोना को ये मिला है, जेनिफर ए डोडोना को ये मिला हुआ है, रट लेना भाई किस चीज हुआ है, याद रखना है। और ये ठीक है, आगे बढ़ते, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन द ईयर इन द फिस्कल ईयर 2021, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था से चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितना अनुबंध करने की उम्मीद है? 6.8%, 9.6%, 11.9% या फिर 14.7%। देखिए, हमारी जो GDP ग्रोथ है ये कोविड की वजह से बहुत फ्लक्चुएट हुए थे, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से इस क्वेश्चन के आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसे रखूँगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9.6%। तो विश्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2020 को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.6% के अनुबंध की उम्मीद है, मतलब 9.6 रहने की उम्मीद है, और इंडिया की इकोनॉमी जो है वह साउथ एशिया में सबसे बड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मचा हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। विद रेफरेंस टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट वॉज सेटअप आफ्टर द aftermath of the terrorist attack on Mumbai 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद स्थापित किया गया था क्या, NCRB। दूसरा है, द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज बाय NCRB, और NCRB के द्वारा सालाना जो है भारत में अपराध जो रिपोर्ट होती है वो जारी की जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, तो इसका सही आंसर है भाई ओनली टू। वेरी गुड यार, वेरी गुड, शानदार। थ्री साइंटिस्ट रोजर पेनरोसे, एंड्रिए गेज एंड रेंडल जैन हैज बीन अवार्डेड द नोबल प्राइज 2020 इन विच कैटेगरी। तो अगला यहाँ पर आ गया, किस कैटेगरी में इन तीनों को मिला है भाई? फिजिक्स में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, या फिर इकोनॉमिक साइंस में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिजिक्स का। तो देखिए, हमने पीस प्राइज देख लिया, हमने मेडिकल के फील्ड में देख लिया, हमने अब फिजिक्स के फील्ड में देख लिया, और हम इकोनॉमी के फील्ड में देख ही चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, नोबेल प्राइज 2020 फिजिक्स के लिए किसे मिला है? रोजर पेनरोसो को मिला है ना? और इसका अदर हाफ किसको मिलेगा? एंड्रियो गेज एंड रेनर्ट गेंजेल को, याद रखना है। आगे बढ़ते, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल को। तो जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स्ट्रा चार्ज भी सौंपा गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दी गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया गुप्ता, आप थोड़े टाइम बाद मुझसे पूछे बेटा, नहीं पाया था है ना, वापस से आप पूछे, जब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है ना, राष्ट्रपति इस मतलब यहाँ पर उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ये राष्ट्रपति थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? रसिया होगा, जर्मनी होगा, जापान होगा, या फिर इंडिया होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वास्तविक स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, याद रखना है ना। और फ्रांस वॉज री इलेक्टेड एज द को प्रेसिडेंट, ठीक है, सह राष्ट्रपति फ्रांस से आएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया विल बी डिलीवरिंग वन ऑफ इट्स किलो क्लास मरीन INS सिंधुवीर टू विच नेशन। भारत अपने किलो वर्ग की पंडुप्पी INS सिंधुवीर किसे जो है वितरित करेगा? म्यांमार को, मालदीव्स को, मॉरिशियस को, या फिर मलेशिया? सारे नाम एम से, कंफ्यूज नहीं होना याद रखने के बाद भी, है ना। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए म्यांमार को देगा, किसको? म्यांमार को। आगे बढ़ते हैं, हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2020। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने, राफेल नडाल ने, रोजर फेडरर ने, या फिर नवान जोकोविच ने? ये जल्दी से बता दो यार सभी लोग, क्या बात है, 27 दूनी 54 बिल्कुल डबल है, कम है, जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर दो यार दोस्तों, जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर दे सब लोग। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने नवान जोकोविच को हराकर फ्रेंच सिंगल ओपन जीता है जो कि उनका 13वां है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू बॉम्ब दैट वाज डेटोनेटेड अंडर वाटर इन पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बम का क्या नाम है जिसे पोलैंड में पानी के नीचे विस्फोट किया गया था? टॉल बॉय, स्मॉल मैन, या फिर लिटिल बॉय? क्या था उस बम का नेम? इसका ऑप्शन नंबर ए टॉल बॉय। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉल आर मिलग्रूम एंड रॉबर्ट 2020 इन विच कैटेगरी। पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट टी विल्सन ने किस श्रेणी में नोबल पुरस्कार जीता? अगेन अगला नोबल पुरस्कार ही आ गया। मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताया कमेंट सेक्शन में
कितने लोग हैं जो नए नए नोट कर लिए हैं ये? जल्दी से मुझे बता फास्ट, कितने लोग नोट कर रहे हैं? एवन ईबुक के लिए बेटा कितने लोग नोट कर रहे हैं सारे के सारे अवार्ड? जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, उसके बाद ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। जल्दी से, एवरीवन हैज टू आंसर। चलिए ठीक है, इतने जल्दी नोट नहीं हो पाता तो इसे आप वीडियो को रिवॉच करेंगे और इसके बाद नोट करेंगे, ठीक है? स्क्रीन शॉट लिया, वेरी गुड, ओके ओके। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इकोनॉमिक साइंस में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है नोबेल प्राइज 2020 इकोनॉमिक साइंस में किसे मिला? पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। याद रखना है ऑक्शन थ्योरी इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के लिए मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज पर कैपिटा GDP is expected to slump by how much in 2020 as per the latest IMF World Economic Outlook projection? नवीनतम IMF World Economic Outlook अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2020 में कितने घटने की उम्मीद है? 8.2%, 9.8%, 10.5% या 11%? It's very important, जल्दी से इसका आंसर देंगे। सही आंसर है बच्चों परसेंट। तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी होगी, इट इज एक्सपेक्टेड टू स्लिप टू 10.5 विच है ना 10.5% टू 1877 US डॉलर इन 2020, लोएस्ट इन द लास्ट 4 ईयर, मतलब पिछले 4 सालों में ये सबसे कम होगी। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था कि किस देश ने अपने पहले प्रयास में 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश भी गया है। अब ब्लू फ्लैग क्या होता है इसे आगे डिस्कस करेंगे हम आंसर के साथ। ऑप्शन है इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। कौन है इसका आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग यार, और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। इसका सही आंसर है दोस्तों, वेरी गुड, इंडिया, ठीक है ना। भारत के 8 बीचेस को पहले अटेम्प्ट में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है, ठीक है, याद रखना। इंडिया इज ऑल्सो द फर्स्ट नेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन दैट हैव अचीव दिस फीट इन जस्ट 2 ईयर। तो देखिए होता क्या है, ब्लू फ्लैग क्यों दिया जा रहा है? ब्लू फ्लैग उन चीज को दिया जा रहा है जो बहुत ज्यादा साफ सफाई है, साफ सफाई जहाँ पर रहती है, जहाँ मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर है, जहाँ पर टूरिस्ट के लिए सारी चीज़ें हैं और साथ में जो ई फ्रेंडली भी, इन सभी पैरामीटर्स पर जो बीचेस खड़े उतरते उन्हें ये दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, और ये दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 66वें स्थान पर रखा गया है, 87वें स्थान पर रखा गया है, 94वें स्थान पर रखा गया है या फिर 100वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 94वें स्थान पर रखा गया है। तो इंडिया को 94वें स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, टोटल 107 कंट्रीज में। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है ये भारत की। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल बी सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? कौन करेगा जल्दी से बताइए सभी लोग। भाई टेंस मत लो, आराम से एग्जाम दो, ठीक है, टेंशन से कोई समाधान नहीं मिलता है, माइंड के साथ फ्री माइंड से आप एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली विल परफॉर्म वेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट इन दोसवाड़ा इन तापी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात विल बी। चलिए यहाँ पर दो हिंदियों आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विद रेफरेंस टू सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में दो स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा है
दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एमपीपीएससी वाले बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यूपीएससी वालों के लिए तो है ही। खैर तो कौन सा सही है, पहला दूसरा, दोनों ही सही दोनों ही गलत? तो इसका सही आंसर है केवल और केवल दो, ठीक है, केवल और केवल दूसरा सही है। इसे सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर, इसे सीधे तौर पर कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है और ये रीअपॉइंट नहीं होते, मतलब ये सिर्फ एक बार ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बन सकते, उसके बाद नहीं बन सकते। आगे बढ़ते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अडॉप्शन ऑफ पंचायती राज एक्ट इन विच यूनियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट एवर टाइम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनाने की मंजूरी दे दी है? पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अपनाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में, पौंडीचेरी में, लद्दाख में या फिर दिल्ली में? कौन सा जो इसका सही आंसर होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। बिल्कुल मिल जाएगा प्रिया, आपने मुझसे ये डाउट कॉल पर भी पूछ लिया बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा, डोंट वरी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल ऑब्वियस आंसर था भाई। जम्मू एंड कश्मीर का भी संविधान पहले अलग था, टर्म्स एंड कंडीशन अलग थी, जिस वजह से वहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं था, लेकिन अब हो गया है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि वो जम्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू रीच अ वीज़ा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट विद इज़राइल? कौन सा देश इज़राइल के साथ वीज़ा छूट समझौते पर पहुँचने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? ऐसा करने वाला कौन पहला अरब राष्ट्र बन गया है, बहरेन, यूएई, कतर या फिर सऊदी अरेबिया? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूएई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो पहला अरब नेशन बन गया है जो कि वीज़ा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट करेगा इज़राइल के साथ। और इससे क्या होगा कि भाई यूएई के जो नागरिक होंगे, सिटीजन्स ऑफ यूएई होंगे, नाउ बी एबल टू स्टे इन इज़राइल फॉर अप टू 90 days ऑन अ सिंगल विजिट। एक सिंगल विजिट में वो एक बार में 90 दिनों तक वहाँ पर रह सकेंगे इसके तहत। आगे बढ़ते हैं, विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड द फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन मून? नासा द्वारा चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया गया है? सॉफ्टवेयर ग्रुप का, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप का, वर्जिन कम्युनिकेशंस का, वेरिजोन कम्युनिकेशन का या फिर नोकिया का? तो इसका सही आंसर सभी बच्चे मुझे लाइव चैट के थ्रू जल्दी से दें यार, फास्ट। यहाँ पर सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही है प्यारे बच्चे, मैं ही सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नोकिया, ऑप्शन नंबर डी नोकिया, बिल्कुल स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, नोकिया जो है। आगे बढ़ते हैं, नासाज और नासाज ओसिरिस आरईएक्स सक्सेसफुली टच्ड विच एस्ट्रॉइड सरफेस टू कलेक्ट डस्ट एंड पीबल्स, है ना? नासा के जो ओसिरिस रिक्स है उसने सफलतापूर्वक धूल कणों को इकट्ठा करने के लिए किस क्षुद्र ग्रह की सतह को छुआ है? विस्ता ने, सेस ने, वेन्यू ने या फिर जियोनो ने? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वेन्यू, ठीक है, नाम याद रखना है ये कहां पर गया है, ठीक है। तो वेन्यू क्षुद्र ग्रह की सतह को इसने छुआ है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द के फैमिली ऑफ मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच इज नॉट करेक्ट। की फैमिली जो है मिसाइल्स की, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए और आपको बताना, इसे एक बार स्टेटमेंट रीड करें उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला है, इट इज प्राइमरली अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये सबमरीन को लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रसिया अंडर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम और इसे रसिया के द्वारा ट्रांसफर किया गया है, स्थानांतरित किया गया। तो इसका सही आंसर है केवल और केवल, मतलब ये क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सबमरीन से लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर कंसेक्यूटिव कंट्रीज इन कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल के इतिहास में लगातार शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल या फिर शिखर धवन? तो इसका सही आंसर है शिखर धवन, सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ नहीं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मिशन शक्ति, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति शुभारंभ किया है, एमपी, दिल्ली, तेलंगाना या फिर यूपी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूपी। तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मिशन शक्ति लॉन्च किया है प्रोग्राम 17 अक्टूबर 2020 को, जो कि वुमेन और
और ये लगभग 6 महीनों तक लागू रहेगा, अप्रैल 2021 तक। आगे बात करते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच इंक्रीज इन द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर। सरकार ने खर्च करने के लिए कितना और पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च करने के लिए मंजूरी दे दी है, 15%, 30%, 10% या फिर 20%। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10%। तो द सेंटर ऑन अक्टूबर 19, 2020 अप्रूव 10% इंक्रीज इन द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर फॉर ऑल फ्यूचर इलेक्शन। मतलब अब जितना भी अब तक खर्च कर सकते थे उससे 10% और ज़्यादा आप खर्च कर सकते। क्वेश्चन ये था कि भाई कितने प्रतिशत से एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ा दिया गया, मतलब यदि आप पहले 100 रुपये खर्च कर सकते थे तो आप कितना प्रतिशत और ज़्यादा खर्च कर सकते। तो इसका सही आंसर है 10% और ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। मतलब पहले यदि आप 100 रुपये खर्च कर सकते थे तो अब आप 110 रुपये खर्च कर सकते हैं अपने कैंपेनिंग में इलेक्शन की। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नेता लोग बैठे हैं तो खुद के भले के लिए वहाँ पर काम चल रहा है भाई, है ना। इसीलिए बोलता हूँ जागरूक भी लोग यार, और प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी लोग। साथ में सही बच्चों से बोलूँगा कि जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस PDF नहीं लिया उसको ज़रूर ले लें, है ना। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आगे बात करते हैं, इंडिया हैज़ टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार किस मसाले की खेती की है, मस्टर्ड सीड्स की, सैफ्रॉन की, क्लोव्स की या फिर हींग की। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हींग, है ना। तो फर्स्ट सीडिंग ऑफ हींग, जिसे हम फेरुला एफ्रोजिया भी बोलते हैं, किया है भारत ने, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौरी घाटी के कुवरिंग गांव में ये किया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विच नेशन हैज साइन द BECA एग्रीमेंट विद इंडिया। किस राष्ट्र ने भारत के साथ BECA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, फ्रांस ने, जापान ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने या फिर जर्मनी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो इंडिया ने BECA एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। BECA का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर, है ना, विद द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द थर्ड राउंड ऑफ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन अक्टूबर 27। आगे बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल टू हेल्प इंटर कास्ट मैरिड कपल टू अवेल इंसेंटिव। तो किस राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की अभियान चालू किया है, कर्नाटका सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने या फिर तमिलनाडु सरकार ने ये किया, जल्दी से मुझे बताएंगे फास्ट सभी लोग। मैं बिल्कुल आज सारी PDF डाल दूंगा मैं, फास्ट हो गया है थोड़ा, नहीं मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। चलिए तो देखिए, सभी बच्चों से बोलूँगा PDF के लिए हमने एक जो एप्लीकेशन बनी है वहाँ से आप डाउनलोड कर ले स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको बार बार ना तो टेलीग्राम देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी है, आपको सिंपली बस ऐप पर जाना है, सेक्शन विजिट करना है और आपको बहुत आसानी से स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में PDF मिल जाएंगी। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने सुमंगल पोर्टल जो है लॉन्च किया हुआ है, जो कि इंटरकास्ट मैरिज कपल एंटी प्रोवाइड करेगा ताकि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोत्साहन दिया जा सके। आगे बढ़ते, विच नेशन हैज़ टारगेटेड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये होता है जैसे अभी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो देखिए 1972 से जब से स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था तब से कार्बन एमिशन को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। पहले डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर टारगेट था, अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी भारत इस चीज़ को आने लगा है कि उन्हें भी अपना क्या है कार्बन एमिशन कम करना है। तो अब 2050 तक किस कंट्री ने जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने का दावा किया कि अब वो 2050 तक ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहाँ वो किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं करेगी। तो किसने कहा है, जापान ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, चाइना ने या फिर इंडिया ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापान ने, जापान ने ये घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवार्डेड द UN ग्लोब क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑप्शन बी ग्रीन पीस इंटरनेशनल को, ऑप्शन सी GHE को या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेटा थनबर्ग को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन को, GHE ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
ठीक है, GHE ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन को इस ये अवार्ड दिया गया है। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन को GHE अवार्ड दिया गया है ना, जो कि एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 का। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट प्लेस अंडर PM स्वनिधि स्कीम। अब स्वनिधि स्कीम बहुत अच्छे से बताई थी सभी बच्चों को, स्वनिधि स्कीम बहुत अच्छे से बताई थी सभी बच्चों से। मैं बोलूँगा कि स्वनिधि का फुल फॉर्म मुझे बताएं। ठीक है, तो किसी किस स्टेट को पहला स्थान मिला है PM स्वनिधि के अंतर्गत, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, गुजरात को या फिर कर्नाटका को। सब स्वनिधि का पूरा नाम बताएंगे, फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग, गुजरात या यूपी के MP यूपी, जल्दी बताइए मुझे फास्ट स्वनिधि का फुल फॉर्म पहले पहले स्वनिधि का फुल फॉर्म चाहिए मुझे सभी लोगों से, उसके बाद हम आगे बात करें। शिवांगी दुबे, मोंटू, आशीष, सचिन, प्रशांत, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, वेरी गुड प्रशांत। विद्यापति, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बच्चे। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, तो याद रखना है ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने PM स्वनिधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है। विच स्टेट गवर्नर अप्रूव्ड बिल दैट सीक्स टू प्रोवाइड 7.5% रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट इन मेडिकल एडमिशन। नाउ दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, तो इसे याद रखना है। किस राज्य सरकार राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल में प्रवेश लेने पर 7.5% का आरक्षण मिलेगा? कर्नाटका सरकार, कर्नाटक के राज्यपाल ने, केरल के राज्यपाल ने, तेलंगाना के राजपाल ने या फिर तमिलनाडु के राज्यपाल ने? होप आप सभी लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि किस राज्य के राज्यपाल ने घोषणा की है कि उस राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल, मतलब उस राज्य में जो भी बच्चे मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे उसमें सरकारी स्कूल से आने वाले बच्चों को 7.5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना, तो ये प्रोत्साहन बढ़ेगा लोगों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के जो गवर्नर हैं बेनीवाल पुरोहित जी, उन्होंने ये घोषणा करी है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 7.5% रिजर्वेशन मिलेगा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज ऑफर्ड F-18 नेवल फाइटर जेट्स टू देने की पेशकश करी है? US ने, फ्रांस ने, रशिया ने या फिर यू ने? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर मुझे सभी लोग, सभी अच्छे आंसर देंगे फास्ट। फ्रांस फ्रांस फ्रांस, चलिए सभी के आंसर आ गए, यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, US। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया भारत को F-18 नेवल फाइटर जेट्स उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स से पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार आप लोग जो है इसे रेट ज़रूर करें। ठीक है, एक बार रेट करें कि क्या हमारी ये जो सीरीज़ है क्या ये आपको मदद कर रही है करेंट अफेयर बूस्ट करने में, सभी लोग बताएं मुझे एक बार फास्ट। साईं सुंदर जी, बफरिंग यदि आप हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, सभी बच्चों से बोलूंगा कि जिनको भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है PDF खरीदने में, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको इस नंबर पर पे करना है इतनी प्राइस, और आप इन सारे माध्यम से पे कर सकते हैं, साथ में ऐप पर भी उपलब्ध पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज सभी के चेक करता हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन नहीं थे दोस्त, यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन थे, आपको PDF मिलेगा तो आप उसमें देख लेना, 50 क्वेश्चन थे। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरीज आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए तो क्लास को आज हम समाप्त करते हैं, कोई और डाउट हो तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। EPFO का एडमिट कार्ड देखिए जल्दी रिलीज होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच प्रिया चौधरी। यू टू एवरीवन, थैंक यू। बिल्कुल पूजा, फिर से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूजा विश्वकर्मा, बिल्कुल पूछिए, आपका क्वेश्चन ऊपर निकल गया बच्चे। बिल्कुल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम जल्दी उपलब्ध कराने वाले दोस्तों। किट्टू खत्री जी, आपको क्या डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं। बाय बाय प्रिया। रीजनिंग क्लास, जी हाँ,
आज रात में रीजनिंग क्लास है 11 बजे। सभी बता दूं मैं कि 11 बजे रात को आज रीजनिंग क्लास है, कोई भूलेगा नहीं। 11 बजे वाले उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, कोई भी नहीं भूलेगा रीजनिंग को पढ़ना जल्दी से, ठीक है। जी नहीं बिल्कुल नहीं, 120 का है भाई। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू अभय। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन को मैंने शेड्यूल कर दिया हुआ आज का। देखिए सभी बच्चों को क्या टेलीग्राम पर शेड्यूल मिल गया, मुझे बताइए। चलिए बाय बाय एवरीवन। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट फिक्स है, अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है यूपीएससी की तरफ से जिसमें एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया हो, और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम अब पोस्टपोन नहीं होना है। यदि पोस्टपोन हो चुका होता तो आपको अब तक नोटिफिकेशन आ जाता। चलिए थैंक यू गाइस। चलिए नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन पर हम क्लास लेते हैं बिल्कुल।